हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बनाएंगे कुरडाई। आप देख सकते हो कितने कुरकुरे और सफ़ेद बने हैं, और ये मैंने घर पर ही बनाई हूँ और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे बनाते हैं। कुरडाई बनाना बहुत ही आसान है। कुरडाई बनाने के लिए सबसे पहले हमें गेहूं में से चीक निकालना पड़ता है, तो इसके वीडियो मैंने पहले से अपलोड की हूँ, अगर आपको देखना है तो ऊपर लिंक में मिल जाएंगे आई बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए चिक को हमें पकाना है। तो सॉरी, यहाँ पर मैंने चिक पकाई थी, वो वाला वीडियो पता नहीं कैसे डिलीट हो गए, तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ बहुत ही आसान है चिक को पकाना। तो चलिए चिक पकाना बताती हूँ। सपोज़ हमारा चिक एक ग्लास है, तो हमें एक ग्लास और थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालकर उसे बॉईल करना है, और एक ग्लास पानी रखकर जितना पानी बचते हैं उतना हमें निकाल कर रखना है, और पानी में टेस्ट के अनुसार नमक डालना है। फिर पानी गर्म होने के बाद जैसे पानी में उबाल आए वैसे हमें चिक को डालते जाना है और उसे घोटना है। तो मैंने यहाँ पे बेलन का यूज़ की थी, तो आप चम्मच से भी कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे उसी से करें। फिर घोटते घोटते उसे गाढ़ा होने तक पकाना है, और आँच को आपको बहुत ही धीमी रखना है। जैसे चिक पक जाए तो नीचे आप तवा रख कर उसके ऊपर बर्तन रख के इसे पका सकते हो। तो मेरा गैस बंद है और मैंने इसे ढक कर रखी थी। अगर चिक पक जाए तो उसके ऊपर आप चम्मच या फिर लाटना कुछ भी बेलन रख के आप जैसे अगर वो खड़ा हो जाए तो समझ लेना चीक रेडी है पक्के। तो अभी हमें कुरडाई बनाना है। आई होप आपको समझ में आ गए, अगर नहीं भी आए तो मैं नेक्स्ट टाइम पूरे वीडियो अपलोड करूँगी चीक पकाने की। सॉरी गाइस इसके लिए। तो हमें इसे भरना है सांचे में, तो सांचे को पहले से मैंने तेल लगाकर चिकना कर ली हूँ, तो इसे भर ले अच्छे से। आपके पास अगर इसे सेवई बनाने की मशीन है उसमें डालकर भी आप बना सकते हो, इससे भी सेवई बनाते हैं, लेकिन मेरे पास एक बारीक वाली है और ज़्यादा मोटी वाली है, छिद्र इसमें जो जाली रहता है वो। तो अगर आपके पास मीडियम वाले है तो उसका यूज़ करें उसी का, मेरे पास बारीक है थोड़ा सा, तो मैं उसी से काम चला रही हूँ। गाइस सॉरी, थोड़ा सा ध्यान देकर मेरी बातों को समझे और आप ट्राई करें, तो बहुत आसान है पकाना, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सही में बता रही हूँ, इसमें कुछ झंझट नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करूँगी चिक पकाने की वीडियो डालने की। तो चलिए हम अभी कुरडाई डालते हैं। कुरडाई को काटने के लिए आप कैंची या फिर चाकू का हेल्प ले सकते हो। मैंने ये बैनर के ऊपर एक प्लास्टिक लगाई, उसके ऊपर कुरडाई को डाल रही हूँ। तो आप एक थाली में भी डालकर फिर निकाल के इसे सजा के रख सकते हो, मतलब प्लास्टिक के ऊपर। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्लास्टिक के ऊपर डाल रही हूँ। अगर आपसे नहीं टूट रहे तो आप चाकू से या फिर कैंची से काट सकते हो। मैंने यहाँ पे चाकू लाई थी दिखाने के लिए, लेकिन मुझे ऐसे पसंद है थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी। अगर आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, इससे मुझे अच्छा लगेगा थोड़ी सी भी अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करें तो, कहाँ मेरी गलती हो रही क्या नहीं। अब ये ख़त्म हो गए, तो मैं इस तरह से पूरे कुरडाई को डालूँगी। डालने के बाद मैं दिखाती हूँ, आप देख सकते हो ज़्यादा भी मैंने पकाई नहीं थी चिक को, तो मैंने यहाँ पे कुरडाई बना के रेडी कर ली हूँ। तो आपने देखे ना, मैंने बहुत ही कम चिक पकाई थी, तो मुझे उतने से चिक में इतने सारे
बन के रेडी हुए हैं। मैंने यहाँ पे कुरडई रात में डाली हूँ और ये पूरे रात कूलर के सामने रहेंगे, फिर मैं इसे सुबह धूप में डालूँगी सुखाने के लिए। और ये कुरडई अभी निकाल जाते हैं, आप इसे एक जगह से और दूसरे जगह पे निकाल के रख सकते हो। अगर ऐसे निकाल जाए तो आप समझ लेना कि ये परफेक्ट है। मुझे 2 से 3 दिन लगे हैं इसे सुखाने में, तो चलिए इसे फ्राई करके दिखाते हैं। कुरडई को तलने के लिए मैंने कढ़ाई पर तेल रखी हूँ, तो तेल को थोड़ा ज़्यादा हीट करना है, तो तेल ज़्यादा गर्म हो जाए तभी कुरडई को डाल के इसे तल ले। जैसे आलू चिप्स तलने के लिए कम गर्म होना चाहिए तेल को, तो कुरडई को तलने के लिए थोड़ा ज़्यादा गर्म करें तेल को, फिर इसे तल ले। आप देख सकते हो कितने सफ़ेद सफ़ेद बने हैं कुरडई, तो आप भी बनाइए। और कैसे बने हैं प्लीज़ कमेंट करके बताएं। सॉरी गाइस, वो वीडियो मेरे से डिलीट हो गया, पता नहीं कैसे एडिट करते टाइम नहीं मिला, तो इसलिए मैंने बता दी। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं भी आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर अपलोड करूँगी चिक पकाने की वीडियो। तो आप इसी में खुश हो जाए प्लीज़, एंड थैंक यू आपने वीडियो को देखे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।